देश के कई हिस्सों में इस वक्त पेट्रोल और डीजल के रेट शतक पूरा कर चुके हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट में इजाफा हो रहा है। हरियाणा में बढ़ते पेट्रोल के दाम लोगों को परेशान कर रहे हैं। प्रदेश में पेट्रोल के दाम 88 प्रति लीटर के पार हो गए हैं, वहीं डीजल के भाव 81 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए हैं। फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ गया है, मतलब इसमें अपनी बाइक में माइलेज में भी फर्क पड़ गया। पहले तो हफ्ता 10 दिन चल जाया करता था मतलब तेल, तो अब तो 2-3 दिन में ही खत्म होने लग गया मतलब तेल, तो ज्यादा कीमतें बढ़ गई लगता है। मतलब 100 के तो पार ही जाएगा ये। मोदी सरकार ने पहले वादा किया था कि मतलब अच्छे दिन आएंगे, तो भी अच्छे दिन को तो लग नहीं रहा, मतलब बुरे दिन तो आ ही रहे हैं। बुधवार को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फिर से तेल के दाम स्थिर रखे। इस महीने लगभग 13 दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन गिरावट एक बार भी दर्ज नहीं की गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से आग लगी हुई है। हालांकि 1-2 दिन से कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन पिछले कई दिनों तक लगातार दाम बढ़ाए गए। सर, रोज के रोज इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनता के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। जिसकी डेली की रनिंग कम से कम 100-200 किलोमीटर है, वो बंदा रोज का क्या करेगा। जहां कांग्रेस के राज में पहले 60 रुपये तेल, 65 रुपये तेल होता था, आज के टाइम में वो 90 रुपये तक पहुँच चुका है। 90 भी अपने हरियाणा में है, दिल्ली की बात करी जाए तो दिल्ली में 100 रुपये के लगभग तेल हो चुका है, और ऑल इंडिया की बात की जाए तो 110 रुपये के लगभग तेल पहुँच चुका है। तो बस यही कहेंगे, सरकार को हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए। बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों से आम जनता परेशान है। जनता सरकार से गुहार लगा रही है कि बढ़ती कीमतों पर रोक लगाई जाए और जल्द से जल्द कीमतों को कम किया जाए। अब 110 करिए और अब जाने के लगा लो 35 से 4000 रुपए तक का महीने का यूज हो जाता है, तो इससे जेब का भी भारी नुकसान पहुँचता है। बंदा कुछ अपना गुजारा कर नहीं सकता, तो गरीब जनता तो मरना ही हर जगह। तो सोचने वाली बात है, हैरान कर देने वाली बात कि 2 महीने के अंतराल में 7.21 रुपये रेट बढ़ चुका है। तो जनता ऐसे में क्या करेगी। लगातार लोगों का बजट बिगड़ता जा रहा है, लगातार खबरें अभी तक भी जनता की राय, जनता की परेशानी जो तेल को लेकर बनी है वो सरकार तक पहुंचा रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि जनता की इस परेशानी को सरकार किस तरीके से लेती है।